पौरी में आशा उषा व आशा सुपरवाइजर अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल पर जाने की सूचना दी है, जहां पर मंगलवार को सभी दर्जन भर कार्यकर्ता एकजुट होकर राज्य मंत्री के गृह निवास पर पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी घोषित किया जाए, आशा उषा व सुपरवाइजर के मानदेय में वृद्धि की जाए, कार्यकर्ताओं को आरोग्य केन्द्र संचालित करने कक्ष उपलब्ध कराए जाए, कार्यकर्ताओं के कार्य की समय सीमा निश्चित की जाए, आशा कार्यकर्ताओं के कोविड काल के भुगतान किया जाए। मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ता एकजुट हुए। तो आज आप जो मंत्री जी के पास आई हैं, जो ज्ञापन सौंपा है, इसमें क्या कुछ मांगे लेके आई हैं आप? हमारी मांगे हैं आशा उषा एवं आशा सुपरवाइजर को स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी घोषित किया जाए एवं आशा कार्यकर्ता एवं उषा कार्यकर्ता को 10,000 मानदेय दिया जाए एवं आशा सुपरवाइजर को 15,000 मानदेय दिया जाए। आशा कार्यकर्ताओं को आरोग्य संचालित करने के लिए अलग से एक कक्ष की आवश्यकता है, वो पूरी की जाए। आशा उषा कार्यकर्ता की सीमा निर्धारित की जाए, समय मतलब उनके काम का कोई टाइम नहीं है, वो भी निर्धारित किया जाए। आशा उषा कार्यकर्ताओं को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की कार्यकर्ताओं को बराबर मानदेय दिया जाए और कोविड का पैसा हमारा भुगतान। कोविड में आशाओं ने बहुत काम किया था, तो आशाओं की वजह से कोविड गया है अपने भारत से, तो आशाओं का पेमेंट होना चाहिए। कब से नहीं हुआ पेमेंट आपको? बिल्कुल नहीं हुआ है अभी, बिल्कुल नहीं हुआ। और आशाओं ने 9 बजे रात तक काम किया था उसमें, सभी हितग्राहियों के किसी किसी आशा ने तो बेचारी ने मार और गाली बहुत तरह की प्रताड़नाएं झेली थी, तो उनका पेमेंट होना चाहिए। और आयुष्मान कार्ड भी बना रही है तो उनका भी पेमेंट होना चाहिए, जबकि सरकार ने आयुष्मान कार्ड पर 5 रुपये पर कार्ड के हिसाब से आशाओं के लिए किए थे, लेकिन अभी तक कुछ भी भुगतान नहीं हुआ है। ठीक है, आज आशा कार्यकर्ता एकजुट हुई, आपको एक ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांगे हैं और क्या आपके आश्वासन दिया? अभी आशा कार्यकर्ता बहन मेरे पास आई थी, उन्होंने अपनी मांग रखी थी और उन्होंने जो मांग मेरे को रखी वो जायज मांग है। मैं उनकी मांग को मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को अवगत कराऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री सभी बहनों को भोपाल बुला रहे हैं, उनके साथ भोजन करेंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है तो जो जिन्होंने मांगें रखी हैं उनमें से कुछ मांगों को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उसी दिन घोषणा करेंगे और मांगों को पूरी करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है और मुझे आशा और विश्वास है कि मुख्यमंत्री महोदय जिन जिन को बुलाते हैं उनको कुछ ना कुछ देते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ देते हैं। पिछले हफ्ते सरपंचों को बुलाया, उप सरपंचों को बुलाया, उनके मानदेय को दुगना किया, हमारे एस्टिमेट जो बनते थे सीआर रेट 25% बढ़ा के दिए, जो 1 लाख का काम होता था वो 1.25 लाख में होगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री महोदय इनको भी कुछ ना कुछ देंगे।